50 रुपए के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GT2 एक्सप्लोर। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं दिल्ली के चोर बाजार। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, और वो भी बहुत कम दाम पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नीचे आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए कि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधा लेके चलते हैं दिल्ली के चोर बाजार। चलिए। गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम आ गए चोर बाजार, और चोर बाजार सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं, हमें यहाँ पर आने में 1 घंटा लग गया है। और यहाँ पर देखिए सुबह से चोर बाजार में बहुत ज़्यादा ठंड है। और चलिए अब को चोर बाजार के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि चोर बाजार में कैसे सामान मिल रहा है। ये भाई ये सारे शैम्पू क्या रेट है? ये 50 रुपए का गाइस। ये चोर बाजार बार बार इसे उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अब यहाँ पर लगने नहीं दे रहे भीड़ की वजह से। और देखिए आप सबको भगाया जा रहा है, और इसलिए अब आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि चोर बाजार उठाया जा रहा है। और देखिए सब जा रहे हैं अपना अपना सामान लेके। वही 10-15 साल से लग रही है, दीदी बोल रही है 10-15 साल से चोर बाजार लगता है, बट अब चोर बाजार लग नहीं रहा है बिकॉज अब सबको भगाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर इतना भीड़ हो गया कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो अब पुलिस वाले भी यहाँ पर लगने नहीं दे रहे।
क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो गया और इस रश की वजह से पैंडेमिक के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसलिए पुलिस वाले जो है वो भी भगा रहे हैं इन सब लोगों को कि यहाँ पर ना लगाए। वही आंटी बोल रही है कि बाजार भी लग नहीं पा रहा है और भगा रहे हैं सबको। हेलो एवरीवन, आई नो कि मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया कि बिकॉज जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कोरोना फेज चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो पुलिस वाले वहाँ से सबको भगा रहे थे। तो अगर आप भी वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर मत जाइएगा, आपको वहाँ जाके परेशानी हो सकती है। मेरे सामने ही वहाँ पर दो लोगों के फ़ोन चोरी हुए और इतनी भीड़ में फ़ोन मिले भी नहीं, तो प्लीज़ वहाँ जाना अभी अवॉइड कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।